कि ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड आपका नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, जीमेल ब्लॉक हो गई है, यूज़र आईडी भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं, कुछ भी सारे क्वेश्चन का जवाब हम लेके इस वीडियो में आए हैं। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी का ओपन रैली का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक, कुछ भी भूल गए हैं सब कुछ करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आज का हमारा टारगेट ये है कि लड़कों का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कराया जाए, जिनका जो भी समस्या आ रही है। सिंपली एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, एफिडेविट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाएगा। सबसे पहले दिक्कत आ रही है कि कुछ लड़कों का जीमेल ब्लॉक हो गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनका जीमेल जो है वो ब्लॉक हो गया है। ठीक, जीमेल ब्लॉक हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं, या अपना पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं जीमेल का, या यूज़र आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसका कैसे रिकवर कर सकते हैं, नाम ही भूल गए हैं कि कौन सी जीमेल थी या मोबाइल खो गई है, तो मतलब क्या क्या कर सकते हैं, तो एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा और कैसे डाउनलोड हो रहा है, सब कुछ दिखा देंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। ठीक, ये आपका एडमिट कार्ड ऐसे ही फ़िलहाल में आएगा, यहाँ पे एक बार कोड रहेगा और आपका रोल नंबर वगैरह जो रहता रहेगा। ठीक, और यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन यही होता है, यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन होता है, लड़के यहीं पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडमिट कार्ड उनका आ जाता है। उसके बाद नीचे पीडीएफ फाइल की तरह बना रहता है, डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लिया जाता है। और हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाके हिस्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं व्यू करके, जो एप्लीकेशन पे रोल नंबर जनरेट हुआ रहता है। ठीक, तो चलिए अब सीधा हम वेबसाइट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे हम एंटर कर चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए, ठीक, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किसका करना है, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, नर्सिंग वगैरह का, जो ऑफिसर एंट्री में रजिस्ट्रेशन होती हैं, या यहाँ पे जो जेसीओ में होती हैं। ठीक, इसमें हम आज इसकी दिखाएंगे, अगली वीडियो हमारी इस, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तभी बनाया जाएगा। और इसमें जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन जो आता है उनका आज डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो उन्हीं का आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे अप्लाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हाफ पेज दिख जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड का पेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड का आपको आधा पेज दिख रहा होगा। आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन करके डाउनलोड करना है। मेरा जैसे आप भूल गए हैं तो कैसे कर सकते हैं, और वैसे भी दिखाएंगे ऐसे भी दिखाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ये ऑप्शन है। मान लीजिए यूज़र आईडी का ही पासवर्ड भूल गए हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर, तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जीमेल, जीमेल का मतलब होता है यूजर नेम। ठीक, वो नहीं याद है फिर भी कैसे करेंगे, वो भी डेट ऑफ बर्थ, क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट नंबर, वो नहीं याद है तो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, तीनों डालने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका जो नया पासवर्ड है, पासवर्ड है वो आपके जीमेल पे जाएगा, डायरेक्ट जीमेल के इनबॉक्स में जाएगा। आपको जीमेल लॉगिन करना है gmail.com पे जाके, और वहाँ से आपको अपना नया पासवर्ड लिखा रहेगा AQP#1@, ऐसे आपका पासवर्ड बना रहेगा। ठीक, तो ये मैंने बता दिया। चलिए, अगर ये भूल गए हैं तो इसके लिए था, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं इसका तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर अप्लाई एंड लॉगिन पे जाएंगे JCO ORO में, फिर आप यदि आप अपना भूल गए हैं यूज़र नेम, तो यहाँ यूज़र नेम का ऑप्शन दिख रहा है, यूज़र नेम यानी होता है जीमेल ही, जीमेल ही यदि भूल गए हैं तो कैसे पता कर सकते हैं जीमेल। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, और क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ होम स्क्रीन पे आपका जीमेल दिखा देगा, तुरंत दिखा देगा। ठीक, ये तो दोनों तरीका था पता करने का, यूज़र आईडी और पासवर्ड यदि नहीं याद है तो। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ खास बात, यदि आपका जीमेल ब्लॉक हो गया है, जीमेल ब्लॉक हो गया तो क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है, सिंपली से एक, जैसे पहले एक लड़के का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे, जिसका नहीं हो पा रहा है फिर भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे, किसी बंदे का लॉगिन, हम डेली किसी ना किसी का फिलअप किया जाता है हमारे सिस्टम द्वारा, तो देखते हैं किसकी लॉगिन आईडी है, किसी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ारों लड़कों की लॉगिन आईडी है,
इनका रजिस्ट्रेशन कर करके दिया जाता है। आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो या नया पुराना अकाउंट भूल गए हों या अकाउंट डिलीट करवाना हो, ये देख रहे हैं हज़ारों लड़कों का है, कम से कम 2-3 हज़ार लड़कों का होगा, तो डेली कुछ ना कुछ उनका करके दिया जाता है। तो एडमिट कार्ड देख लेते हैं किसका डाउनलोड हो जाता है, किसी का पता करते हैं किसका डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, मान लीजिए इनका हमने लॉगिन करके चेक कर लिया, देखते हैं इनका एडमिट कार्ड आया है कि नहीं। 35 27 7 8 1। ठीक, कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यही लिख रहा है। ठीक, यदि अपना पासवर्ड आप भूल, तो पासवर्ड का तो मैंने बता दिया था कि जीमेल पे जाएगा पता कर सकते हैं, और उससे पहले मैंने बताया कि एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ, तो दूसरे लड़के का डाउनलोड करके आपको दिखा जाता है अभी। ठीक, उसके बाद पता करेंगे कि कैसे जो नहीं निकल रहा है वो भी निकल सकता है। अभी मैंने एक लड़के का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया है, आपको वो नहीं दिखाया गया यूज़र आईडी पासवर्ड, नहीं तो आप इसका गलत उपयोग। तो चलिए ठीक है, इस बंदे का यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट ओपन दिखा रहा है, यानी जब ऑनलाइन बंद हो जाता है तो यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट ओपन दिखाता है, जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है तो ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाता है, वो भी ग्रीन में। ठीक, चलिए ठीक, इस बंदे का यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन चेक कर लेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद एडमिट कार्ड चेक करेंगे। ठीक, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में इस बंदे का यहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हैं व्यू करके, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं व्यू करके। यहाँ पे देख रहे हैं बंदे का एप्लीकेशन रोल नंबर यहाँ जनरेट हो चुका है। ठीक, यहाँ पे आपको रोल नंबर जनरेट दिख रहा है, यहाँ पे नीचे PDF का ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था। ठीक, अब चलिए आपको दिखाते हैं एडमिट कार्ड कहाँ है, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया, एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे, एडमिट का ऑप्शन जो दे रहा है एडमिट कार्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो एडमिट कार्ड पे हम क्लिक कर देते हैं। एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद इसका देगा कि एडमिट कार्ड को प्रिंट कीजिए या डाउनलोड कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोने में ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लेते हैं। साथ ही साथ ये देख सकते हैं इस बंदे का एडमिट कार्ड आ चुका है, ये सब इसका आधार नंबर वगैरह, यही एडमिट कार्ड आप प्रिंट कराएंगे यहाँ पे आपका सिग्नेचर प्लेस जो भी है डेट ऑफ बर्थ डाल के ले जाएंगे प्रिंट करके। अब चलिए हम बात कर रहे थे कि जिसका नहीं हो पा रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, तो वो भी दिखा देते हैं, मान लीजिए सबको काट दीजिए, ईमेल ब्लॉक हो गई है तो क्या कर सकते हैं, चलिए रुके इसे भी काट देते हैं, चलिए पेज खुल चुका है। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा मेल तैयार करना है। ठीक, एक मेल तैयार करना है और ज्वाइन इंडियन आर्मी को फीडबैक सेंड करना है। ठीक, यहाँ पे फीडबैक का आपका ऑप्शन दिख रहा है, फीडबैक का, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, आपको क्या लिखना है कि इनका, तो इसमें आपको सिर्फ ज्वाइन इंडियन आर्मी को फीडबैक भेजना है, वो आपका एडमिट कार्ड आपको मेल करेंगे। ठीक, यदि आप ढंग से फीडबैक भेजते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं, उनसे आपका संपर्क हो जाता है, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। संपर्क कैसे करेंगे, उनको क्या भेजेंगे, आप उनको अपना आधार नंबर भेजेंगे, जो आपका पुराना जीमेल पासवर्ड याद था वो भेजेंगे, मोबाइल नंबर भेजेंगे और पूछेंगे कि सर मेरा एडमिट कार्ड प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिए, मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड सब खो गया है, मोबाइल भी खो गई है, जीमेल ब्लॉक हो गई है, मतलब जो भी कहानी है उनको मेल करेंगे, अच्छे से टाइप करके सेंड करेंगे। यदि चाहते हैं ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये हम आपका करके दे सकते हैं, तो उसका चार्ज लगेगा 50 या 60 रुपीज़, जो हमारा चार्ज होता है 100 रुपीज़, जो भी लगेगा हम आपको बोल देंगे। यदि वो हमसे कराना चाहते हैं तो बताइएगा आपकी इच्छा, नहीं कराना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम पहले बता देते हैं। देखिए उनका ये ईमेल है, ईमेल आप नोट कर सकते हैं, 4 officer entry या JCO entry का ईमेल कॉन्टैक्ट करने के लिए, यहाँ पर ईमेल आप देख सकते हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल दोनों दिया है। ठीक, तो साथ ही साथ रुक जाइए, JCO का भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर रिलेटिव आपका किस स्टेट का एडमिट कार्ड निकालना है। ठीक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, मतलब बिहार, कहाँ से हैं और कहाँ का एडमिट कार्ड आपको निकालना है, वहाँ के नंबर पे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो मेल आप करेंगे। यहाँ पे उनका ईमेल है, ठीक, यहाँ पे भी उनका ईमेल है,
यहाँ पे भी उनका ईमेल है, नर्सिंग वालों के लिए है, ये जेसीयू वाले के लिए है। तो आप जीडी क्लर्क ट्रेडमैन का देख रहे हैं तो इस जीमेल और मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, उनको एक अच्छा सा जीमेल बॉक्स में टाइप करेंगे टू रिस्पेक्टिव ज्वाइन इंडियन आर्मी, मतलब फॉर्मेट, एक फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मेट यदि चाहेंगे तो पेज भी सेंड कर दिया जाएगा। एक फॉर्मेट रहेगा डियर ज्वाइन इंडियन आर्मी टीम, मेरा एडमिट कार्ड लॉस हो गया है, यानी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड खो गया, सब कुछ लिखेंगे दो तीन लाइन में, उसके बाद सेंड कर देंगे और मेल चेक करते रहेंगे उनके रिस्पांस का यानी वेट का, या कॉल करके ट्राई करेंगे। ठीक, तो ये दोनों काम ही आप सिर्फ करके एडमिट कार्ड अपना निकाल सकते हैं, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, और लास्ट में आपको नंबर भी बता देता हूँ, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, और कॉल भी करना होगा तो 10 बजे से 4 बजे के बीच ही में कीजिएगा दिन में। ठीक, ऐसे मत कीजिएगा 8279436440। यदि एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, जीमेल ब्लॉक हो गई है, जीमेल को कैसे खोल सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन जीमेल में क्या होता है, ये सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको दिया जाएगा या करके दिया भी जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कुछ बच्चों की मदद हो सके, कुछ बच्चों की मैंने, बहुत ही बच्चों की मैंने मदद की है। ठीक, आप कमेंट भी हमारे पढ़ सकते हैं, जो लड़के हमसे काम करवा के संतुष्ट रहते हैं। ठीक, तो बात भरोसे की होती है, नीचे लाल बटन ऐसा ही दिया होगा, उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्वाइन इंडियन आर्मी की हर समस्याओं का आपको हल वीडियो के माध्यम से मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, चलते हैं, आपका दिन शुभ हो, इंडियन आर्मी में आप पक्का हो, मेरी ये भगवान से दुआ है, कामना है कि आप ज्वाइन इंडियन आर्मी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छी लगी हो तो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।